दिल्ली के जामिया नगर में एक युवक ने प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की। इस दौरान एक युवक घायल हो गया। वहीं फायरिंग की इस घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। इस मामले में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में एक युवक द्वारा निष्क्रिय पुलिस के सामने लोगों पर गोली चलाने की घटना बेहद निंदनीय है। आज के सत्ताधारी जिस प्रकार समाज को नफरत से भर रहे हैं, ये उसी का दुष्परिणाम है। आज राजनीति द्वारा पोषित घृणा से भटक रहे युवाओं व खुद को बचाना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने लिखा, जब भाजपा सरकार के मंत्री और नेता लोगों को गोली मारने के लिए उकसाएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, तब ये सब होना मुमकिन है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वो कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं। वे हिंसा के साथ खड़े हैं या अहिंसा के साथ? वे विकास के साथ खड़े हैं या अराजकता के साथ? मायावती ने ट्विटर पर लिखा, जामिया गोलीकांड अति दुर्भाग्यपूर्ण व अति निंदनीय। केंद्र की सरकार इस घटना को अति गंभीरता से ले। बीएसपी की यही मांग है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा था। प्रोटेस्ट मार्च के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एक युवक ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। इसमें एक छात्र घायल हो गया है। गोली लगने से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है।